सिर्फ चैरिटी के लिए 22,000 के शो किए तो प्रोग्राम चैरिटी के लिए। वो भी क्लैप कर रहे हैं वो देखो। सो नाइस भाई भैया पीस ऑफ पेपर मेरे लिए पेपर हो पीस ऑफ क्योंकि सर ये बरकत आ जाएगी इसमें आप यानी क्या है जादू में। वैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ ट्रिक्स होते हैं कुछ हिप्नोटाइज करते हैं यानी अब एलिफेंट बैरिस करते हैं हाथी तो वही होता है आपके आंखों को लगता है आधी गायब हो गया। मैंने अब जैसे पेपर है अभी एक मिनट बाद आप देखेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में ब्लू में ग्रीन में आपको ऐसा लगता है ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं अब ओह माय गॉड लेकिन थोड़ी देर बाद वो पेपर बन जाता है मतलब असली में पेपर में आपको ऐसे सुनो तो भाई अरे बहन तो सुन तो लो आप अपने बाद में डिस्कस कर देंगे सिर्फ 5-10 मिनट का मैं है प्रेजेंट मैंने जैसे ये रिंग है मैडम यानी जैसे आपका वैसे हाथी ये अंगूठी ऐसे करते हैं ऐसे किया ऐसे किया ये बिदाम आ गए खाइए यानी ये आर्ट है यानी इतना नजदीक से आर्ट को सभी डिफरेंट चार्ट होते हैं अलग अलग कार्ड मैं बहुत अच्छे से कार्ड समझती हूँ आप किसी एक कार्ड पे उंगली ये वाले नहीं दूसरे वाले ऐसे करते हैं जैसे अपना कार्ड आप देख लीजिए ये कार्ड आपके सबके माइंड में सेट हो गया अब जिस भी कार्ड को आप टच करेंगे ये नजर आएगा आपको यानी कार्ड सभी अलग अलग होते हैं डिफरेंट कार्ड होते हैं जैसे वैसे आप किसी भी एक कार्ड पे अपना उंगलियां करते हैं आप कहीं ना कहीं आपको वही कार्ड आता है कहीं भी जैसे मैंने आप भी कहीं भी आपको इन वही कार्ड यानी वास्तव के कार्ड तो जैसे कार्ड तो दर्श में एक ही होते हैं ऊपर आता है सबसे पहले और अगर उस टाइम में सारे कार्ड आपको ये दिखाना हो बावन के बावन सब आपके उदय राजेश के लिए मैं ये कहता हूँ चुनाव के टाइम आकर मेरे को बुला लें सारे बिलेट पेपर वो यानी सारे वही के वो जैसे आप बता दूं किसी सरकार सीनियर नाम सुना होगा ये हमारे गुरु रहे और क्या क्या डिग्निटी बताया आपको सभी अभी मैं आपको एक ट्रिक मैजिक बताता हूँ इतना पास से आर्ट को दिखाने गए स्टेज पे तो आप लोग बड़े मैजिक देखते हैं ऐसा भी कि वन सेंट होता है अमेरिकन सेंट अमेरिका के सिक्का है आप कोशिश कर रहे हैं इसमें हिप्नोटिज्म है या ट्रिक है एक रुपए का क्वाइन है एक ये सेंट है आपके सामने क्वाइन को उठा के इधर रखा है इसको पॉकेट में अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से सेंट नहीं दोनों है थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इतना पास से कोई आर्ट दिखाता नहीं अब जैसे मैंने सेंट को ढके जा रखा इसको पॉकेट में अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से कॉइन ही वो दोनों है यानी आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ ये लास्ट है अब कॉइन को इधर रखा इसको पॉकेट में अब इसमें क्या रहना चाहिए कुछ भी नहीं नहीं वैसे क्या सेंट ही रहना चाहिए वास्तव में सेंट बचे
जैसे अब ये नोट बनाया था, अब वो कागज अगर वही पेपर वापिस बनाए तो आपको ऐसा लगता है अब ऐसे करते लंदन में हमने पूरी घड़ियों पर टाइम चेंज कर दिया था, वहां सिग्नल टाइम एक एक घंटा लेट पहुंचे शो में नोवा घर में क्या इतने बड़े जादू का टाइम के पंक्चुअल इडियट्स हैं। मैंने कहा अपनी घड़ियों देखी मेरी वाटरप्रूफ है सर, ये ले लो भाई 160 की ले लो सर, घड़ी का ये कह रहे घड़ी की 10 घड़ियां बना दो। हां यही वाली 20 लोग मेरे पास है, इसमें लिखा ही नहीं कुछ कोई बात नहीं, कमेंट्स को आपको टाइम क्या नजर आता है कितना टाइम सर नाइन मैंने चश्मा भी पहना है, आई थिंक 10 मेरे घड़ी चश्मा आपकी तो घड़ी आप देखिए आपकी घड़ी नहीं आपको आपको कितना नजर आता है, आप 10-40 नजर आ रहा है आप अब ये देखिए साइकिल का स्विच चल रहा है बंद है आप देखिए सेकंड का स्विच चल रहा है बंद है कोई नहीं घड़ी आ जाएगी नहीं आ जाएगी 10-15 मिनट बाद बोल रहे हैं जैसे कई लोग है ना ये लोकेट पैदा करते हैं सत्साई बाबा सिर्फ एक जैसे कई लोग लोकेट पैदा करते हैं लिंग पैदा करते हैं बहू जी पैदा करते हैं हमारे लिए बात नहीं, हमने पूरी साल रात सीखी हुई है मतलब कोई प्रॉब्लम हो नहीं मन तो जैसे रिंग वगैरह नहीं कोई भी जैसे एक कोई भी अंगूठी दे दी वापिस मिल जाए आपको काम की चीज दे जैसे मैंने ये एक मिनट ये माने रिंग है अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं अब इसमें से भूती वगैरह निकलना शुरू हो जाता है ये आपको काम की चीज है ये मतलब जैसे है ना आप ये रखना पूजा के स्थान खास काम के लिए खास काम के लिए आपका आशीर्वाद नहीं नहीं कोई खास काम आपने मुझे स्पेशल चुना है कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स होंगे आपका आशीर्वाद है नहीं ले लो कोई खास काम के लिए थैंक यू थैंक यू साई बाबा लोग है ना ये नहीं मुझे विश्वास है बड़ों की ब्लेसिंग्स में जो ब्लेसिंग्स है ना भगवान तो है ही है पर जो अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स है ना उनका कोई मुकाबला नहीं देखो जी मैं मुझे मूर्ति मिल गई है मुझे किसी ने लगे मेरे पीछे आ गए ये है वो सोनिया आप में से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो कोई है ये है नहीं नहीं बोले ऐसा वो नहीं थे पता हाथ उठाने से एनएल की न्यू रिपोर्ट सब बोल रही है सिंपल वैसे काट के बेसिक है अगर पहले कोई बोला तो यहाँ पे नहीं बोलना ऐसे है अगर यहाँ नहीं बोला वो अगर पहले कोई बोला मैं बोलने में विश्वास नहीं करता बोलने में विश्वास नहीं करता जो है सच है
जैसे ना माने जैसे कोई भी आप कार्ड निकाले जो आपकी इच्छा कोई भी एक कार्ड जो आपने आगे कोई भी आप देख रहे कहीं मिला दीजिए मिलाने के बाद सफर करने के बाद आपने मिला तो दिया हाँ ये वाला कार्ड ये वाला सिर्फ ये से मम्मी जवाब देना अगर ये वाला कार्ड है तो ठीक है नहीं तो नहीं ये वाला कार्ड नहीं आप अगर ये वाला कार्ड इसको आप नीचे रखिए मैंने फर्स्ट कार्ड नहीं सेकेंड मजाक नहीं सही था दूसरा कौन सा था हुकुम का दस तो वैसे दिखा तो दिया था पहले अपने ना कैसे